वालेकुम नाजरीन, रब शाहली सदरी वैसली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। मैं हूँ ताहिर जमाल। प्रोग्राम है कैनेडियन करिश्मा और टीवी है Z9 डिजिटल टीवी। आज का प्रोग्राम हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और थोड़ा बहुत सोशल मीडिया को भी कवर करेंगे। हमारे साथ एक बहुत पुरवकार शख्सियत हमारे साथ हैं। हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि इन्होंने हमें आज हमारे स्टूडियो में ज्वाइन किया है। अगर थोड़ा सा मैं इनके बारे में बताता चलूं, ये मीडिया से इनका ताल्लुक़ है। कैनेडियन पाकिस्तानी जो चैनल है यहाँ पे उनके साथ काम करती हैं काफ़ी अरसे से। और अगर ये कहा जाए, अगर उनकी खूबसूरती का मवाजना किया जाए, तो खूबसूरती में वो माहिरा खान जैसी हैं, होस्टिंग में वो नादिया खान जैसी हैं, अगर एक्टिंग करें तो फिर मरीना खान जैसी हैं, अगर मॉडलिंग करें तो फिर वो मेरे ख्याल में आयजा खान जैसी होंगी। ठीक है, तो इसी के साथ मैं माइक देता हूँ महविश वक्कार साहब को। अस्सलाम वालेकुम महविश, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। और आपका जो ये इंट्रोडक्शन है, इसको सुन के बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगा? मैंने कोशिश की कि प्रोग्राम में सरप्राइजिंग इतने सारे लोगों को आपने एक बंदे में ज्वाइन कर दिया। सब जी जी, एक हूँ मुस्लिम। इकबाल ने भी कहा है ना, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। नहीं देखिए, आपकी पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला। Z9 आपका शुक्रगुजार है कि आपने टाइम निकाला। मैं थैंकफुल हूँ आपकी और आपकी टीम की कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। और Z9 इज़ अ वेरी गुड चैनल, बहुत सारे लोग इसको वॉच करते हैं और आज मेरा यहाँ स्टूडियो में आना हुआ, सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड मैं यूजुअली होस्टिंग करती हूँ, आज मैं गेस्ट हूँ, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आज आप दूसरी तरफ है, ठीक है। होस्टिंग से भाई मैं तो यही कहूँगा कि मैं तो यहाँ मैं जो होस्टिंग करता हूँ मैं तो आपको ही फॉलो करता हूँ। किसी ना किसी को हमें फॉलो करना पड़ता है। आप मतलब मुझसे पहले से हैं टीवी चैनल में, आप ज़्यादा और कॉन्फिडेंटली होस्ट करती हैं। जब मैंने अपने करियर का आगाज़ किया कुछ अर्से पहले, तो मैं ऑफकोर्स जो क्योंकि स्टाइल ऑफ होस्टिंग आप भी इससे एग्री करेंगे, इस बिट डिफरेंट। वी आर नॉट, हम मेन स्ट्रीम तो है नहीं कि ARY और हम टीवी है जी, हमारा जी। दूसरा है तरीका, थोड़ा डिफरेंट है। चलें ये बताएं कि भाई आप मीडिया में या होस्टिंग, आप अब दो चैनल से, यानी कि आप इससे पहले एक टीवी चैनल के साथ थी, अभी एक बड़े टीवी चैनल के साथ हैं, स्पॉटलाइट विद महविश वक्कार करती हैं। yes. तो उसके बारे में बताएं कि आपको कैसे ये शौक हुआ कि आप टीवी ज्वाइन करें। एक्चुअली ये बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि मैंने अनएक्सपेक्टेडली स्टार्ट किया था। मतलब मैं सिर्फ 16 साल की थी और आई वाज जस्ट हैविंग डिनर विद माय फैमिली, तो फिर एक पाकिस्तानी एड बनाने वाले थे, सो ही अप्रोच्ड अस एंड ही इज लाइक ही वाज जस्ट टॉकिंग टू माय पेरेंट्स के यू नो मैं चाहता हूँ इनको अपने ऐड में लेना। तो मेरे डैड ने उनसे डिटेल्स वगैरह पूछी, तो दैट टाइम पे मैंने 5 से 6 टीवी कमर्शियल किए उस एज में। ये पाकिस्तान की बात है या कनाडा की बात? यहाँ अच्छा, कनाडा की बात है। या तो फिर एक बीच में बहुत ही लंबा गैप आ गया। आई वाज नॉट डूइंग एनीथिंग, मतलब मैं बस घर पे ही थी, आई वाज जस्ट होम। फिर मेरी मॉम ने एक चैनल का देखा एंड देन शी सेड इट टू मी कि तुम इधर जाके ट्राई करो। तो मैंने उनके पास गई, आई गेव माय ऑडिशन, दे लाइक्ड मी एंड देन आई स्टार्टेड माय ओन शो वहां पे। और वो फर्स्ट टाइम मैंने होस्टिंग की थी। लेकिन यू नो लाइफ में आप थोड़ा मूव ऑन करते हैं, आपको लगता है कि यू नो किसी और जगह। मुझे उन्होंने ब्रेक नहीं दिया, लेकिन कभी मुझे अप्रोच नहीं किया कि आए आपके टीवी में अपने। नहीं, आप उनसे बात करें, डेफिनेटली आपको ब्रेक देंगे, क्योंकि उनकी अच्छी बात ये है कि वो सबको चांस देते। चलिए अच्छी बात। सो दिस इज हाउ आई गॉट स्टार्टेड। नहीं नहीं, नजमा मलिक बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छी खातून है, बिल्कुल मेरी दोस्त है, मजाक अपनी जगह। अच्छा ये बताएं मुझे कि मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, हमारा ये Z9 भी, हमारी भी CEO खातून है, समीना जबीन भी चला रही हैं आवाज़ TV, अरफा बाजी चला रही हैं ई आवाज़, ठीक है, फिर नजमा मलिक साहबा का नाम, 4 तो फीमेल CEOs हो गई TV की। तो क्या वजह है कि फीमेल होस्ट नहीं है? जहाँ देखें सिर्फ महविश वक्कार नज़र आती हैं। हमारे यहाँ से मारफत दीन करती हैं, वो अपना क्या नाम है अपना मारिया, तो खैर एक खातून हमारे यहाँ हैं, एक आपके, एक दो आपके चैनल्स में हैं जी, जी, तो बाकी एक दो है। तो ख्वातीन होस्टिंग में क्यों नहीं आ रही?
एक्चुअली वो है, लेकिन शायद आपको नज़र नहीं आ रही है क्योंकि हमारे चैनल पे ऑलरेडी 2 से बल्कि 3 है हमारे पास. ठीक है. वो लोग बड़े अच्छे अच्छे शोज करती हैं, विमेन के ऊपर करती हैं, ट्रैवल पे शो करती हैं. सो आई एम नॉट श्योर, या तो शायद आपने देखा. लेकिन देखिए जिस तरह से जितने चैनल्स हैं उसमें मेल एंकर मेरे ख्याल में अभी भी ज़्यादा हैं. ठीक है. अगेन देखें तो मैं जो जैसे मैंने अभी आपको एक स्टैटिस्टिक्स दी कि 4 लीडिंग रोल में सब फीमेल हैं, एंटरप्रेन्योर सब फीमेल हैं, लेकिन होस्ट आपका बहुत बड़ा चैनल है जहाँ से आप काम करती हैं उसमें 3 फीमेल होस्ट हैं. हमारे यहाँ एक फीमेल होस्ट है, मारिया खालिद मेरे खान का नाम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और एक आध जो दूसरे टीवी चैनल्स हैं उनमें 1-2 हैं. लेकिन उस तरह से जो पाकिस्तानी कैनेडियन फीमेल हैं वो मुझे नजर नहीं आ रही चैनल. आई गेस दे लाइक टू बी मोर बिहाइंड द कैमरा, और वो एक बॉस लेडीज है हमारी जो एज अ सीईओ काम कर रही हैं, यू नो, इतने बड़े बड़े चैनल्स चला रही हैं, तो उनको लगता होगा कि यू नो हम पीछे रह के ज़्यादा काम कर रहे हैं. लेकिन डेफिनेटली आई थिंक मोर लड़कियों को आना चाहिए क्योंकि हमारे पास लड़कियाँ वाकई में कम है. ये मेरा कहना यही था, क्योंकि आप दूसरे चैनल्स में देखें कि मेल एंकर होस्ट बहुत सारे हैं, और आपको पता है कि ये मतलब ये इश्क नहीं आसा बस समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है. तो खैर ये तो बात हो गई. आप कैसा देखती हैं मतलब जो पाकिस्तानी कैनेडियन चैनल हैं, ऑफ कोर्स हम अपने ही चैनल्स की बात करेंगे, हम जो दूसरे कम्युनिटी के या दूसरे कंट्रीज़ के जो चैनल हैं उनको नहीं. तो हम आप कैसा जो कंटेंट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं जिस पे हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो मौजू, और हम लोगों का बड़ा लिमिटेड वो है स्केल, हम वो चीज़ें नहीं कर सकते जो दूसरे चैनल्स या एंटरटेनमेंट में भी थोड़ा बहुत हम एंटरटेनमेंट, थोड़ा बहुत हम जो है टॉक शोज़, जो सोशल इश्यूज़, पॉलिटिकल इश्यूज़, और पाकिस्तान, क्योंकि मैं जहाँ रहूँ तेरी याद साथ साथ है, पाकिस्तान को भी हम नहीं भूल सकते. तो हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स हो, पाकिस्तान के जो इंसिडेंट हो, इंपॉर्टेंट वाक़ात हों, और लोकल जो इंसिडेंट्स हों, जैसे अभी चौधरी साहब का जो इंसिडेंट हुआ था, आपने भी उसमें काफ़ी, एजाज चौधरी साहब का जो इंसिडेंट हुआ था मैं देख रहा था, आपने भी उसमें काफ़ी वॉलंटियर किया, काफ़ी कवरेज दी, फी सबीलिल्लाह वो काम था, बहुत इंपॉर्टेंट था. एक बेचारा बेगुनाह आदमी मारा गया 66 ईयर्स के, तो मेंटली अपसेट थे. सबकी नॉलेज में, ज़्यादातर नॉलेज के लोग जो लोग पाकिस्तान में हमें देख रहे हैं उनकी नॉलेज में ये नहीं होगा क्योंकि लोकल इंसिडेंट है. और हमारा जैसे आपका भी मकसद यही होगा, हमारे ऑडियंस जहाँ जहाँ पाकिस्तानीज हैं ना, जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ सुनी जाती है यानी कि उर्दू समझी जाती है, वहाँ वहाँ तक हमारा टीवी जाता है. ठीक है, ये हमारी कोशिश है. बाकी ये कि तो सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि जो पाकिस्तान में ही कैनेडियन है या जो नॉर्थ अमेरिका में जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान में भी आपको पता है सोशल मीडिया की तरह. तो हाँ, तो आप बताइए, मैं तो बहुत लंबी तकरीर कर दी, आप बताइए कि जो हमारे यहाँ के चैनल्स हैं वो आपकी राय में कैसा काम कर रहे हैं या कैसा करना चाहिए? आई थिंक कि सब लोग लिमिटेड रिसोर्सेज होते हुए भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे पास वो सोर्सेज नहीं जो पाकिस्तान में होती हैं. जैसे उनके पास बड़े स्टूडियोज होते हैं, उनकी ज़ाहिर हर चीज़ हाई टेक होती है. हम छोटी जगह पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि सब बहुत मेहनत कर रहे हैं और सब कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर आए. हर कोई एक डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहा है. आई नो कि बहुत सारे सिमिलर कंटेंट्स हैं, एक ही चीज़ हो रही है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए, ताकि हमारे शोज़ भी पाकिस्तान में देखे जाएँ. क्योंकि अभी जो काम हम कर रहे हैं, जो हमारे शोज़ हैं, लेट्स से जो इवन आपके जो फैमिली मेम्बर्स पाकिस्तान में होते होंगे वो आपकी वजह से शो वॉच कर लेते हो. मजबूरी है, क्योंकि मैंने फ़ोन करके पूछना है कि आपने मेरा शो देखा कि नहीं देखा, लावा वाला. अब उन्होंने कहा नहीं मैंने देख लिया, अब 1 घंटे का शो है, मैं 36वें मिनट पे जो इंसिडेंट हुआ था वो पूछूंगा. अच्छा वो बताइए वो क्या था, मैंने जो है अपना मेवी शोकार से 36वें मिनट पे क्या बात की थी, तो वो फंस जाते. तो ये तो है. हाँ, तो बस आई जस्ट फील कि कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग करना चाहिए, मे बी आउटडोर कोई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, मे बी ड्रामे हमें प्रोड्यूस करने चाहिए. यहाँ पे बहुत सारा टैलेंट, -20 पे आउटडोर जाके कोई हमें शूटिंग करनी चाहिए और दौड़ भाग करनी चाहिए, क्योंकि यू नो यहाँ इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं, हमारी बहुत जो यंग जनरेशन है बहुत सारे लोग हैं मेरे शो पे बहुत से आते हैं. सो आई फील लाइक यू नो यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए. बिल्कुल सही. नहीं, तो आप, मैंने सुना है कि आपके प्रोड्यूसर्स ने या किसी ने
मुझे बताया कि लैरी किंग की तरह आप भी अपने शो की कोई प्रिपरेशन नहीं करती हैं। लैरी किंग का यही उसके ध्यान उसके इंतकाल के डेथ के बाद आया कि वो कभी प्रिपेयर नहीं करते। ही वॉज अ लेजेंड, मैं बहुत एडमायर करता हूं। मतलब वो तो बिल्कुल एक परफेक्शनिस्ट से आप मुझको मिला रहे हो। खैर आप भी परफेक्शनिस्ट हैं, मैंने शुरू में ही कहा कि मैं अपने होस्टिंग करियर में महविश वकार को फॉलो करता हूं। अब मैं सोच में पड़ गई हूं कि आप सीरियस हैं कि आप मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक क्यों करूंगा भाई, मैं बहुत सीरियस होस्ट हूं, मैंने कभी मजाक किया ही नहीं कैमरे के सामने, मैं तो बहुत संजीदा बात कर रहा हूं। लेकिन ये ऐसा कहा जाता है भाई, देखिए होस्टिंग की जो बात करें ना, एनर्जी चाहिए होती है। मैं आपसे तारिक अजीज मरूम साहब को देखिए, आप कितनी एनर्जी के साथ आते थे। मैं खुद गया हूँ नीलाम घर में उनके प्रोग्राम में। अच्छा। यही चीज़ें देखने, और जब से मैं या जब से ना भी इतने सारे शो हो रहे हैं, आप देखें पाकिस्तान में हर बंदा सिटी साहब की साहबजादी भी एक बैठी हुई है शो लेके, सब एक करें, घबराना नहीं आ रहा है। मतलब हर बंदा कोई ना कोई टॉक शो कर रहे हैं, सब ने अपने यूट्यूब चैनल खोले हुए, तो आप देखें तो डिफरेंट है। लेकिन आप पीछे जाए, मोइन अख्तर साहब बहुत बड़ी ज़बरदस्त होस्टिंग करते थे, तो डेफिनेटली ठीक है। अब वो सब उमर शरीफ साहब भी होस्टिंग करते थे प्रोग्राम्स की, लेकिन वो जैसा अपना अनु मसूद साहब भी होस्टिंग करते हैं, समीना पीरजादा भी, मतलब एक लंबी लिस्ट है अगर आप देखें, सबका अपना स्टाइल है। ठीक है, तो आप किसको पुराने लोगों में या नए लोगों में, आप किसको, नादिया खान को भी आप, मैंने सुना है कि आप देखा जाए तो अभी मैं उनका ही नाम मैं लेने वाली थी, बिकॉज आई रियली लाइक द वे शी डज हर होस्टिंग, क्योंकि उनका बहुत नेचुरल एनर्जी होती है, तरीका है एक तो, और उसमें साथ साथ वो मजाक भी करती जाती हैं, तो उससे यू नो शो बहुत सीरियस नहीं होता, जैसे आपका शो है। मेरा शो तो बहुत सीरियस, मैं आते वक्त मैं सोच रही थी शायद ये बहुत ही सीरियस शो होगा, लेकिन ड्राई से आदमी है तो बाबे लगते हैं तस्वीर में, ऐसी कोई यानी आपको मुझसे अपनी तारीफ सुननी, अरे नहीं ऐसी बात नहीं, अरे नहीं, इंसान तो आदमी तो होता ही खुद पसंद है, ख्वातीन तो बदनाम है, मर्द लोग ज्यादा शीशे के सामने टाइम है। रियली ये मुझे पता नहीं था। अच्छा चले देखिए, कुछ आदमी रोज कुछ ना कुछ सीख, नहीं नहीं ये बिल्कुल सही है, नहीं मैं अपनी तारीफ नहीं कहना चाह रहा, तारीफ तो अल्लाह की ज़ात है सिर्फ तारीफ के लायक। तो बात अब हो रही थी कि इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब आपने बताया कि हमने जैसे देखा बहुत, आपने बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज़ किए, मुस्तफ़ा कमाल साहब का आपने, तो भाई का इंटरव्यू लेते ना, बड़े भाई का लंदन से इंटरव्यू क्यों नहीं लिया आपने, मेरा ये सवाल, पहले तो बड़े भाई का लेना चाहिए था ना? ये आपने बड़ा खतरनाक खतरनाक क्या सवाल कि कोडिंग में बात चल रही है ना, वो तो आई थिंक किसी को भी इंटरव्यू नहीं दे रहे होंगे। नहीं, तो आप कोशिश करते हैं, आपको बिल्कुल, क्या बात कर रही हैं आप, अल्ताफ भाई चल के आ जाते हैं, हाँ क्यों नहीं, वो क्या जबरदस्त रहेगा, ट्राई जरूर करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल क्यों अगर नहीं? अगर उनको मैं डिजिटल मीडिया पे ले आऊं तो क्या मुझको क्या मिलेगा, मतलब लाइक यहाँ लेके आ जाएंगे आप, नहीं नहीं मतलब ऑफ कोर्स स्क्रीन पे। हाँ चले ठीक है, हम लोग मिलके कर लेते, लेकिन वो तो मेरी वजह से तो नहीं आएंगे, ताहिर जवाब साहब नहीं जनाब, इनके साथ तो हमने शो करना ही नहीं है, नहीं नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुस्तफ़ा कमाल के इंटरव्यू में देख रहा था, बहुत सॉलिड, बहुत पावरफुल, आप इतना सीरियस रहती हैं इंटरव्यू में, मतलब मैं फिर भी जो है ना, मतलब सिर्फ इस प्रोग्राम में नहीं, आपको मैं पहले से वी नो ईच अदर तो ऐसा नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी जितनी भी मेरी होस्ट को होस्ट आई हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स में, मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा देखिए ह्यूमर जो है ना थोड़ा सा ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा सीरियस रहना भी नहीं चाहिए, और देखने वालों के बाद इतना फालतू टाइम नहीं है कि हमारा सीरियस जो है ना खबर ना सुने। उसका उसकी रीज़न ये है कि जो मेरे शो पे अब जो मेरा एक सीज़न स्टार्ट हुआ है जिसमें ज़्यादातर मैं पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज़ के ही साथ कनेक्ट करती हूँ, तो जब मेरा नंबर कब आएगा सुन आएगा, डोंट अच्छा मैं उस लिस्ट में आ गया, नहीं मजाक कर रहा, चलिए नहीं नहीं, आई विल लव टू हैव यू ऑन माय शो। तो फिर जब मैं उनसे बात करने, तो एक मुझे अंदर से आई फील काइंड ऑफ स्केयर्ड टू, स्पेशली अगर कोई बड़ा पॉलिटिशियन होता है, जैसे जब मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब से बात कर रही थी, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, एंड इट वॉज एन ऑनर फॉर मी टू इंटरव्यू हिम, तो मुझे यही हो रहा होता है कि कहीं मतलब मुझसे कोई गलती ना हो जाए, थोड़ा सा। लेकिन आपने पता है क्या, बहुत चला के आपने उनको सुबह सुबह उठा दिया होगा, यहाँ आपने 9-10 बजे इंटरव्यू लिया होगा, उधर 6-7 बजे उनकी बेगम ने उनको उठा दिया होगा, और रात थी वहाँ पे, तो वो भी आधी नींद में हो गई, तो उन्होंने कहा होगा जल्दी जल्दी जा चुड़ाओ, तो वो अच्छा। मगर ये कि इट वाज अ रियली बिग थिंग कि उन्होंने मतलब हमें वक्त दिया और हमसे इतनी बात करी, तो यही रीजन है कि जब मैं सेलिब्रिटीज का भी इंटरव्यू कर रही होती हूँ, सो मैं यू नो आई फील लाइक कोई मुझसे गलती ना हो जाए, तो दिस इज व्हाई मैं सीरियस होती हूँ। लेकिन जो हमारे यहाँ के लोग होते हैं, लोकल होते हैं, वो तो समझे
आपने डिस्क्रिमिनेशन, थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो गया कि भाई जो बड़े लोग हैं उनके साथ आप नहीं? लेकिन वो इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा था। मैंने वो जावेद सत्तार साहब वाला, फारूक सत्तार साहब वाला नहीं देखा, लेकिन आप कह रही हैं वो भी अच्छा इंटरव्यू था। लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब ज़्यादा मेरे ख्याल में इन्फ्लुएंशियल और ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी हैं, खास तौर पे जो कराची के लोग हैं उनको बहुत पसंद करते हैं। फारूक सत्तार साहब वेरी सिंपल और इतना, मतलब वो भी अच्छा बोलते हैं लेकिन वो थोड़ा उसमें डोमेन में रह के बोलते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, कहना चाहिए कि थोड़ा वो वैसे हो जाते हैं। एक सवाल, मैं प्रोग्राम करता पहले लाइव या फेसबुक पे लोग क्वेश्चन भेज देते हैं, मुझे भी दो चार लोग, 36 लोग मुझे भी फॉलो करते हैं, देखिए क्या बात है। तो किसी ने मुझसे पूछा कि भाई हस्बैंड मटेरियल क्या होता है। बोले ठीक है, आजकल तो गूगल चल रही है, मैंने भी गूगल किया, उसमें आ गया बनियान थे भाई, निकर थे, फिर वो सॉक्स और बेल्ट। मैंने कहा यार ये नहीं हो सकता हस्बैंड मटेरियल। तो मैंने फिर सोच के आया, मैंने कहा भाई मैं भी वकार से पूछूंगा कि क्या है इसके, क्या मतलब है हस्बैंड मटेरियल क्या होता है। हस्बैंड मटेरियल आई वुड से हर इंसान की एक अलग डेफिनेशन होगी, क्योंकि जो हमारी जो लड़कियां हैं उनकी वो अपनी एक, मैं समझती हूँ, दुनिया में रहती हैं और उनके दिमाग में एक आइडियल सा इंसान होता है जिसको वो सोचती हैं कि यू नो ऐसा होना चाहिए, यूं होना चाहिए। पाकिस्तानी लड़की, पाकिस्तान में तो मैंने कभी किसी लड़की ने सुना कि हस्बैंड मटेरियल होना चाहिए। अच्छा, अब कितनी लड़कियों से बातें की? अरे ये मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता, बहुत थी वैसे, खैर नहीं वैसे इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हाँ आई वुड से हस्बैंड मटेरियल इज समबडी जो बहुत अपने काम पे फोकस्ड है, काम से काम रखे बस, हाँ मतलब करियर ओरिएंटेड है, शादी हो गई तो बस इधर उधर कहीं नहीं देखे, सीधा रहे, ऐसा मेरे ख्याल से कोई इंसान है नहीं। तो मतलब हस्बैंड मटेरियल आपने डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है हस्बैंड मटेरियल। आई गेस हर इंसान की अलग अलग डेफिनेशन, यानी हर फीमेल की, हर गर्ल की जो हस्बैंड मटेरियल की क्लासिफिकेशन, भाई लोगों सुन लें भाई, सबके सब, सारी खवातीन मेरी बहनें दोस्तें सब सुन लें कि हस्बैंड मटेरियल जो है ना, महवीज वकार बहुत बड़ी एक्सपर्ट है, बहुत बड़ी, उन्होंने बताया कि हस्बैंड मटेरियल टाइप की कोई चीज़ नहीं होती, आपने अपना मटेरियल खुद बनाना होता है, कस्टमाइज करना होता है, जैसा हस्बैंड लेके आए, मतलब पहले, मतलब पहली बात यह है कि ना वो मतलब लेके आ जाए उसको, वो आईकिया की तरह फर्नीचर ले आए, उसको फिट कर लें वही खुद ही ना। आईकिया तो बहुत बड़ा मिशन है। अच्छा, ये तो ये तो है, ये तो है। तो ये भी बात बड़ी अच्छी हो गई। तो थोड़ा सा चलें ये अब आते हैं सोशल मीडिया की तरफ, ठीक है। अब ये सोशल मीडिया का दौरा है, ठीक, टेलीविजन एक बहुत बड़ा मीडियम है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम एक बहुत बड़ा मीडियम है, ऐसा ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं एक क्विक ब्रेक ले लेते हैं पहले, बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद हम आते हैं तो सोशल मीडिया की बात करते हैं। परफेक्ट, ठीक, चलें जी क्विक ब्रेक लेते हैं। गेट रेडी फॉर एक्स्ट्रा हॉट स्पाइसी जूसी एंड डिलीशियस फूड एट पैराडाइज चिकन। मेक एवरी डे स्पेशल चिकन बर्गर, चिकन टिंडर, चिकन पीस, चिकन नगेट्स, चिकन पुटीन, फिश एंड चिप्स एंड सम स्पेशल डील्स। 10 पीसेस चिकन, 4 बर्गर्स, 24 चिकन विंग्स, डिजर्ट्स, एप्पल टर्नओवर, सॉर्बे, सेफ एंड हेल्दी फूड। सो कम एंड एंजॉय टेस्ट टिल द लास्ट बाइट एट पैराडाइज चिकन। विजिट आवर 3 ब्रांचेस, ऑकवेल, ब्रैम्पटन, स्कारबोरो। The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable,
Alam Law. जी ख्वातीन और हजरात, हम लोग ब्रेक से वापस आ चुके हैं और प्रोग्राम चल रहा है कैनेडियन करिश्मा, जिसमें बहुत ही एक क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी हमारे साथ है, महविश वक़ार साहिबा। हम बात कर रहे थे पहले, हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात की, उसके बाद कुछ कह रही थी आप? नहीं नहीं, मैं कहती हूँ हम सोशल मीडिया पे बात। अब हम सोशल मीडिया पे, अब आप बताइए कि हाउ डू यू डिफाइन सोशल मीडिया फर्स्ट ऑफ ऑल? आई लव सोशल मीडिया, मतलब मैं कहती हूँ मेरी पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे चल रही होती है। उसका रीज़न है जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो लोग मुझसे इतने कनेक्टेड रहते हैं, यू नो, मुझे इतना सपोर्ट और इतना प्यार देते हैं। आप भी तो इतना काम करती हैं, इतनी सारी, जो मेरे को आप सुबह सुबह मैसेज देती हैं, इतनी जल्दी मैसेज देती है, मैं जब शाम में सो के उठता हूँ आपका मैसेज आ चुका होता है जुमे का, ठीक है? और जुमे की कितनी बुरी बात है, आप देर से सो के उठते हैं, आप नहीं, नमाज नहीं पढ़ते? मैं नमाज पढ़ के फिर सो जाता हूँ। अच्छा, तो फिर इतने आपका मैसेज आ रहा होता तो फिर मैं उठ जाता हूँ, फिर टिन टिन मैसेज आना नहीं। लेकिन देखिए, वो मजाक अपनी जगह, लेकिन बहुत से आपके मैसेजेस, जैसे मैंने देखा कि आप, जैसे बात हो रही है सोशल मीडिया की, ठीक है, आपने कहा आप बहुत पसंद करती हैं सोशल मीडिया को, बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत कहना चाहिए कि इफ़ेक्टिव मीडियम है कम्युनिकेशन का आजकल, ठीक है, स्मार्टफोन और डेटा एक्सेस। हाँ, तो आप बताएंगे उसको पॉजिटिवली कैसे हम यूटिलाइज कर रहे हैं आजकल? आई थिंक स्पेशली जो ये पूरा पैंडेमिक चल रहा है, तो उसमें आप देखें सोशल मीडिया ही हमें हेल्प कर रहा है। कहीं पे कुछ भी होता है वो हमें विद इन सेकेंड्स पता चल जाता है सोशल मीडिया की वजह से। पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, दुनिया के किसी भी मुल्क में कुछ भी हो रहा है, वी फाइंड आउट राइट अवे जस्ट बिकॉज हम सोशल मीडिया पर हैं। हम कितने लोगों से कनेक्टेड हो जाते हैं जिनको हम जानते भी नहीं, और कितना, मतलब Everything is on. अब मुझे लगता है कि टी वी इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि आप हर शो भी सोशल मीडिया पर देख सकते हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। चले, मैं छोटा सा एक स्टैटिस्टिक्स है जो सोशल मीडिया से मुतालिक मैंने देखा था, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। 3.96 बिलियन पीपल करंटली यूज सोशल मीडिया, ठीक है, जो कि 2.7 मिलियन था 2015 में, तकरीबन डबल हो गया है 15 से आज 20। द एवरेज पर्सन हैज 8.6 सोशल मीडिया अकाउंट्स इन 2020, 4.8 थे उनके अकाउंट्स 2014। मेरे ख्याल में ये उसकी बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम और डिफरेंट जो उसके मीडियम। अच्छा, तो सोशल मीडिया का जो ग्रोथ रेट है 15 में, वो एवरेज था 12.5% से वो सोशल मीडिया ग्रो कर रहा है। अच्छा जी, बाय रीजन सोशल मीडिया ग्रोथ इन 2019 एंड 20 इज लेड बाय एशिया, 16.98% वहाँ बढ़ा है, अफ्रीका में 13.92% ग्रोथ हुई है यानी यूसेज की, और साउथ अमेरिका में 8%, नॉर्थ अमेरिका में 6.9%। तो ये सब हैं। अच्छा, 50.64 और 7.7 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड यूज सोशल मीडिया ऑफ एलिजिबल ऑडियंस एज 13+, ठीक है, विच इज 63% आर एक्टिव यूजर्स। बहुत सारे हैं, उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट अपने बनाए हुए हैं और यूज़ भी नहीं करते। सेम एज जैसे रियल एस्टेट का आपने लाइसेंस लिया, वो 80,000 रियलटर्स हैं, वो मतलब एक्टिव नहीं है। आप भी, आपके पास भी लाइसेंस है? रियल एस्टेट ज़्यादातर लोगों के पास पास है, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि रियल एस्टेट? मेरे बहुत सारे रियल्टर फ्रेंड्स भी हैं जो मुझे हर वक्त बोल रहे होते हैं कि तुम भी इसको ज्वाइन करो, बट आई एम लाइक नो थैंक यू, मैं नहीं करूँगी। आई फील लाइक उसमें बहुत सारे लोग हैं, प्लस आपको उसमें इंटरेस्ट भी होना चाहिए। मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं है। मतलब आपका किस फील्ड में? आई एम मोर इनटू दिस, मतलब यू नो, यही होस्टिंग हो गई, शोज हो गए, आई एम मोर इनटू दिस। ठीक है, तो मतलब ये तो हो गई, तो अब आप ये बताएं कि मतलब थोड़ा सा हम चलें और भी बता देते हैं कि ग्लोबली द एवरेज टाइम, अच्छा ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, द एवरेज टाइम अ पर्सन स्पेंड्स ऑन सोशल मीडिया अ डे 2 hours 24 minutes वो करते हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत कम टाइम है, आप बताएं कि आजकल स्पेशली जो ये पेंडेमिक और लॉकडाउन हुआ है, तो उसमें फोन तो इतना ज्यादा हो गया है सोशल मीडिया पे, कि तो डेफिनेटली ये बहुत कम टाइम है।
तो देखिए 8 घंटे बंदा सोता है, 16 घंटे अगर जाग रहे हैं तो 8 घंटे काम भी करेंगे, तो मेरे ख्याल में 3 घंटे कहना चाहिए, 3 आवर्स, 3 और 4 आवर्स इज अ रीजनेबल टाइम। मेरे ख्याल में फिर वो ज्यादा नहीं हो जाएगा अगर मतलब 3 घंटे से अगर आप ज्यादा। लेकिन मैं तो इससे बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। और आप सेलफोन से यूज करती हैं? या सेलफोन से, क्योंकि वो इंस्टाग्राम चल रहा है, फिर वहाँ स्नैपचैट पे कुछ है, फिर टिकटॉक स्पेशली। टिकटॉक भी आप करती हैं? लॉकडाउन की वजह से टिकटॉक ने हमें इतना एंटरटेन किया है, इसलिए अगर ये ना हो तो अब टीवी तो मैं देखती नहीं हूँ, आई जस्ट वॉच टिकटॉक वीडियोस। तो मतलब टिकटॉक में आप खुद भी टिकटॉक वीडियोस बनाती हैं, तो आप कैसे इंस्पायर होती हैं, कैसे बनाती हैं, मतलब क्या सोचती हैं? मतलब जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स होते हैं आई वॉच देम कि अच्छा आजकल टिकटॉक पे आजकल ट्रेंडिंग क्या है, आजकल तो बस वो ये पार्टी हो रही है, आपने देखा बहुत, उसमें क्या चीज नहीं, मतलब उसमें क्या, मतलब मैंने भी देखा, लेकिन आप क्योंकि आप इसमें ज्यादा गहरी नजर रखती है, करीब से देखती है। एक्चुअली सो स्ट्रेंज के आई थिंक ये लक की बात होती है, आपको नहीं पता कब आप किस तरह से वायरल हो जाएंगे। मैंने देखा शाहिद कपूर भी उस पे के अंदर पार्टी हो रही है, हर कोई कर रहा है उसको, दैट गर्ल मतलब रातों रात वो लड़की को अपने घर से उठा के, क्या है पेशावर जुल्मी, उसकी भी कुछ बन गई है पेशावर जुल्मी। स्पीकिंग ऑफ PSL राइट, मैं ऐसे क्रिकेट फॉलो नहीं कर रहा हूँ, कराची को बहुत मैंने देखा आपके मीडिया में, आप इसके अलावा भी आप कराची की काफ़ी बातें करती हैं, आप कराची के जो लीडर्स हैं, तो आप कराची में रही हैं? मैं कराची में बॉर्न हुई हूँ और मैं कराची से हूँ, सो दिस इज व्हाई आई एम सो कनेक्टेड जी, लेकिन कराची बस कराची फिर कराची है। ठीक है, बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सही है, जहाँ से हम मैं भी कराची से, मतलब जहाँ से हम आए, पूरा पाकिस्तान हमारा है वैसे तो, लेकिन अच्छी बात है। तो ये जो आप कराची किंग्स को PSL की टीम है ना, उसको आप सपोर्ट करती हैं, तो इसका कोई आपके साथ ऑफिशियल है लिंक, या आपकी सिर्फ मोहब्बत है क्रिकेट से और क्रिकेटर से? कुछ भी नहीं है, इट्स जस्ट दैट क्योंकि ऑफ कोर्स आपको क्रिकेट से मोहब्बत है या क्रिकेटर से मोहब्बत है? मुझे नहीं, मुझे क्रिकेट से बहुत मोहब्बत है, आई लव क्रिकेट, सी अगर मेरा हाथ में ये चीज होती तो आई वुड हैव बीन इन क्रिकेट, मतलब मैं डेफिनेटली होती हूं क्रिकेट टीम। फीमेल की क्रिकेट टीम है वैसे पाकिस्तान में? है, लेकिन आपने ज्वाइन करना है तो मैं अभी इमरान खान को फोन करवाता हूं, लेकिन आपने खेली, इट्स टू लेट, चलिए कोई नहीं। मगर ये कि क्या कराची किंग्स को मैं सपोर्ट कर रही हूँ, लास्ट टाइम वो लोग जीते थे, अभी कौन जीता है वैसे मैं फॉलो नहीं कर रहा हूं, अभी रिसेंटली दे लॉस्ट हम। अच्छा अच्छा अच्छा, या मगर ऑफ कोर्स आप हर मैच तो नहीं जीत सकते, दिस इज हाउ इट वर्क्स, कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, सही बात है, सही बात है, या जो जीता वो सिकंदर, लेकिन तो ये है। हाँ, तो बात फिर वही आ रही है घूम फिर के, कि हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवर कर लिया, ठीक है, अब आप सोशल मीडिया में, तो आप ये नहीं समझ रही कि मेरा ये सवाल है कि सोशल मीडिया हमें बहुत ज़्यादा अनसोशल कर रहा है? डेफिनेटली, और अभी तो हमें अनसोशल होना पड़ रहा है क्योंकि पैंडेमिक की वजह से हम सोशल डिस्टेंसिंग होने के लिए तरस रहे हैं किसी तरह से हो जाए, लेकिन अब बहुत मुझे लग रहा है लोग अब थोड़ा इससे यूज्ड टू हो रहे हैं, यू नो मुझे एक चीज हो रही है कि कहीं ये ना हो कि फिर बाद में लोग बहुत ज्यादा एंटी सोशल हो जाए। हाँ बिल्कुल, सो ये, हाँ ये समथिंग लोग इसके बारे में, लेकिन वैक्सीन आ रही है, सारी दुनिया में वैक्सीन जा रही है और आ रही है, कनाडा में भी वैक्सीन आ रही है, वैक्सीन्स इफेक्टिव हों और जल्द से जल्द हम एक नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाएं। तो आप कितना समझती हैं कितना जल्द से जल्द ये काम हो जाएगा, 3-4 साल? आई डोंट नो, आई वाज होपिंग कि मार्च में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन हर बार मैं जब सोचती हूँ वो वक्त आ जाता है, लेकिन कोरोना कहीं नहीं जाता। तो कैसा, मतलब कैसा आपने, जैसे हमने बात की, तो ये सिर्फ पेंडेमिक की वजह से ऐसा है कि पेंडेमिक तो एक फैक्टर बन गया है कि सोशल मीडिया पे लोगों का, लोग वर्क फ्रॉम होम करें, लोगों के पास स्पेयर टाइम आ गया, अपनी फैमिलीज के साथ टाइम गुजार रहे हैं, बच्चों के, तो उसमें फिर ये कि जिसके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो वो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, उन सब चीज़ों पर लोग अपना टाइम लगा रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन आप क्या समझती हैं, जितने भी, मैं किसी एक को नहीं, सारी दुनिया के लोग उसी तरह चल रहे हैं, अगर टिकटॉक बन रही है तो सारी दुनिया की बन रही है, और अगर व्हाट्सएप पे मैसेजिंग और ग्रुपिंग और डिस्कशन और फाइट हो रही है तो सारी दुनिया के लोगों की हो रही है, सिर्फ ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक कम्युनिटी, एक नेशनैलिटी के लोग हैं जो वो कह रहे हैं। तो आप समझती हैं कि हम, या चलें अपनी कम्युनिटी में लें तो हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप को या सोशल मीडिया को, हम पाकिस्तानी कैनेडियंस या पाकिस्तानी एवरीवेयर, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, हम इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को या नहीं?
आई वुड से 80%, लेकिन कुछ जो 80% 20% कौन है, मैं भी शामिल हो गया, 20% है उनमें. आई वुड से वो लोग हैं कि मैंने ये देखा है कि अगर किसी को कुछ बोलना होता है ना, वो उसका स्टेटस लगा देता है. मतलब वो जाके उस इंसान को डायरेक्ट नहीं बोलेगा, लेकिन वो उसके बारे में स्टेटस लगा देगा. एंड समहाउ मतलब कैसे होता है वो, मुझे बहुत सारे लोग हैं उनको आपस में पता होता है. मतलब कैसे होता है अगर आपको कोई स्टेटस लगाना है, आपको मरीना खान के बारे में कुछ लगाना है स्टेटस, तो आप क्या लगा देंगे? आई वुड मतलब वो कोई इनडायरेक्ट वर्ड्स यूज करेंगे और समहाउ जो उनके सर्कल के लोग होते हैं उनको पता होता है, पता चल जाएगा अल्लाह ये कितना खाती है. कोड में कमेंट्स कर रहे होंगे, वो भी कोड में कमेंट करते हैं, हां हमारी के रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी चाइनीज में, वो बैर भी परेशान हो गए थे, वो हो किचन से भी कॉल आ रही थी, कौन है खाए चले जा रहा है वो. तो ये ऐसा होता है, इनडायरेक्ट वॉर, इनडायरेक्ट वॉर, ओह माय गॉड आई डिडंट नो दैट, ऐसा भी होता है. अच्छा, मैं तो बहुत सीधा हूँ जिसका मतलब है. तो देखिए, तो ये तो एक बात हो गई कि ना, अच्छा ये सिर्फ खवातीन खवातीन में होता है या हजरात भी शामिल हो जाते हैं इसमें? मिक्स होता है. अच्छा, कुछ हजरात भी होते जो जलती में तेल का काम करते या तीली लगा रहे होते, दोनों काम हो रहे होते हैं ना? दोनों काम हो रहे होते हैं. आप तो उर्दू अच्छी समझती है इसलिए, बहुत से लोगों से मैं मजाक करता हूँ तो उनको समझ में नहीं आता, लेकिन आप नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी उसको ऑफ कोर्स काम कर रहे हैं उसमें. बहुत सारे हमारे डोनेशन के भी काम कर रहे हैं लोग, वॉलंटियर्स को ढूंढ रहे होते हैं और खुद वॉलंटियर नहीं कर रहे, पॉजिटिव मैसेज भी दे रहे होते हैं लोगों को, यू नो. तो फिर पॉजिटिव भी चल रहा है, पॉजिटिव मैसेज दे रहे होते हैं, जैसे हमारे मिनिस्टर साहब दे रहे होते हैं स्टे होम, मास्क लगाए, ये करें, खुद घूमने चले गए. मैसेज ना स्टे होम स्टे से, मैं सुन सुन के थक गई हूं, इसको कुछ चेंज करना है, कुछ चेंज करना चाहिए. मतलब आप बताएं, आप बताएं, मतलब आप कुछ नया लेके आएंगे, मतलब इसको कुछ कहें आप भाई, आई थिंक बाकी इसके बारे में सोचना. और फिर वो जब कहते हैं स्टे होम, मैं तो हमेशा पूछता हूँ भाई किसके होम स्टे होम, लाइक क्लियर करो भाई किसके होम में जाके रुकूं मैं, अपने होम में, अपने किसी दोस्त के होम में, मामू चाचा फूफा के होम में? तो मतलब क्लियर नहीं है ना, मतलब स्टे होम स्टे सेफ, तो अपने घर में तो कोई सेफ नहीं है, कि ये लॉकडाउन कहाँ जा रहा है जी. लेकिन अपने घर में तो कोई सेफ है नहीं. वो शुरू में जब ये शुरू हुआ था, हस्बैंड वाइफ घर से काम कर रहे हैं, तो एक जोक आया था कि कोरोना तो बाद में मारेगा इनको, यहाँ पर भी एक दूसरे को मार देंगे. तो खैर ये तो था मजाक, लेकिन ठीक है. लेकिन वाकई अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि पाकिस्तान में भी, सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान में तो अच्छा, हाँ वहाँ के हिसाब से हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा नहीं. मैं आप तो जिस कंट्रीज में जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे माशाल्लाह हेल्थ सिस्टम इतना हाई स्टैंडर्ड हेल्थ सिस्टम है, और गवर्नमेंट भी केयरिंग है, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी की बात होती है. तो बस ये है कि थोड़ा वैक्सीन का आने में थोड़ी स्लो है, लेकिन कुछ नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिर भी कंट्रोल हो गया है, अभी आपकी नॉलेज में होगा. चलें फिर वापस आते हैं आपके अपना होस्टिंग की तरफ. तो आप अपना, मतलब आप जब अपना आप शो या गेस्ट को, तो आप कैसे, मतलब मैं तो ऐसे ही प्रिपेयर कर लेता हूँ, लेकिन आप कैसे प्रिपेयर करती हैं? मतलब गेस्ट को सामने रखती हैं, टॉपिक को सामने रखती हैं, या अपने आप को सामने रखती हैं? यूजुअली इट्स इट डिपेंड्स ऑन कि वो क्या करता है. जैसे अगर कोई सिंगर आ रहा है तो फिर मैं उससे कॉन्वर्सेशन करूंगी कि तो फिर आप रियाज भी करती हैं, थोड़ा सा गाना भी उनसे बोलती. अच्छा, आप नहीं? अक्सर मुझे वो लोग अक्सर पूछते हैं कि आप भी गाएं, आई एम लाइक नहीं, मैं नहीं गा सकती. आप नहीं गाती? जबकि बहुत से लोगों को आवाज़ सुन के मेरी लगता है कि शायद मुझे भी लगता है. हाँ, तो आप कुछ गुनगुना के सुनाएं? नहीं, अच्छा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए. मैं बहुत बुरा गाती हूँ. अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, नाजरीन कुछ नहीं, कोई नहीं होगा, वो तो ये सुन के वो जरूर कहेंगे. अरे नहीं, सारी दुनिया, आप इतनी मशहूर सेलिब्रिटी हैं, आपको इतने लोग फॉलो करते हैं, आपका इतना कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी में, तो आप तो जो भी, मतलब मगर इसमें वो नहीं छोड़ेंगे. अच्छा अच्छा, ये अटेम्प्ट की क्यों तुमने? अच्छा चलो, आज अटेम्प्ट करके देख ही ले हमारे प्लेटफॉर्म से. तो चले फिर आप भी मेरे साथ गाएं. क्या, कौन सा गाना गाना है? मैं तो तैयार हूँ हर वक्त. मुझसे अच्छा तो बाथरूम सिंगर ही कोई नहीं है. मैं आपको ज्वाइन करूंगी. मैं कौन सा गाना सुनाऊं मैं आपको? जो आपका, जो आपके, चले अली हैदर का गाना आप गाएं, वो आपके नाम से मिलता जुलता है. मैंने सुना है कि जब आपको उन्होंने नाम, आपसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने कंपोज किया था, वो वाला गाना है ना, करार, दिल का करार, दिल का करार. तो मैं इतनी छोटी सी थी जब उसका करार रिलीज हुआ. चले अब वही सुना दें, वो खुद खुश हो जाएगा. वैसे ये गाना मुझे बड़ा पसंद है, लेकिन अच्छा, अगर मैं गाऊंगी तो जो लोग इस गाने को पसंद करते हैं वो पसंद करना बंद कर देंगे. नहीं, वो तो देखिए, वो एक तरह अपने ऊपर बड़ी. चलिए, आपको जो गाना पसंद है, हर इंसान के अंदर एक सिंगर होता है. मेरे अंदर नहीं है. अरे ये चलें, ये भी आपने खूब बात की. चलें ठीक है, मैं इसरार नहीं करूंगा. आप पोएट्री कोई, आप शेर, मैंने देखा कलाम बहुत पढ़ती हैं बहुत से लोगों के. आपका पसंदीदा पोएट कौन सा है? मेरा तो फराज है.
अल्लाह, मैं तो उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी, ये पार्ट कट कर दीजिएगा। ये क्या बात हुई, मतलब फिर भी कोई शायर तो आपके नॉलेज में होगा? नहीं, शायर तो शायरों के मैं असल में नाम नहीं पढ़ती, मैं गूगल पे जाके उनके शेर देख लेती हूँ, और बहुत सारे शायरी मैंने की भी है, लेकिन अभी मुझे सीरियसली। अच्छा, आपकी अपनी शायरी है? नहीं, मेरी अपनी शायरी नहीं, वो गूगल की होती है और मैं वो हमेशा बता देती हूँ। गूगल का तो चक्कर चल रहा है, वो तो आजकल तो बहुत बड़ा सिस्टम चल रहा है कि हर बंदा अकबाल की शायरी, हर उल्टी पुल्टी शायरी अकबाल की शायरी हो गई, और बड़े बड़े जो पोएट्स हैं उनकी शायरी के साथ वो जोड़ जाड़ के चल रहा है बहुत, और वही सोशल मीडिया का ये भी एक तरह कहना चाहिए। लेकिन जो लोग शायरों को जानते हैं फिर उनको पता चल जाता है कि ये, मेरे ख्याल में जो लोग शायरी को जानते हैं जी, शायर को तो कोई जानता, शायर तो उसमें रहता है, बिहाइंड द सीन रहता है, उसके शेर आ जाते हैं बाहर। अच्छा, लेकिन वो ये बड़ा अच्छा काम करते हैं कि वो अपना नाम शेर में डाल देते हैं, जिससे आपको पता होता है कि ये इस शायर का शेर है। लेकिन तो वो तो सोशल मीडिया उसका काम कर रहा है ना, कोई शेर जिसका भी नाम नीचे अजीम शायर का डाल दिया जाए तो ये तो है। ठीक है। और बताएं महवेश वकार, आपकी और क्या मतलब हॉबीज हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं अदर देन मीडिया, और आजकल क्या है आपका? कुकिंग करती हैं आप, कुकिंग शो भी बहुत चल रहे हैं आजकल, ये क्या चक्कर है, अचानक से मेरे ध्यान में आया सारे शेफ्स बन गए लॉकडाउन ने सबको शेफ बना, लेकिन यूट्यूब बन गया, खानदानी किचन चल रहा है और यूनानी किचन चल रहा है, और हर बंदा किचन शेरी में भी किचन चल रहा है, मतलब यूट्यूब पे, और मिलियंस ऑफ लोग देख रहे हैं। तो आपने कभी नहीं सोचा कि आप यूट्यूब चैनल बनाए अपना, कुकिंग शो चलाए अपना? कुकिंग ना ये बड़ा एक्चुअली बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि यू हैव टू मेक श्योर कि बहुत आसान है, आप इंस्टेंट पॉट लें, सारी चीजें उसमें डाल दें, सफाई सफाई तो बंदे कर लेते हैं, वो मसला नहीं है, सारी चीजें काटे भी नहीं है, ऐसे ही डाल दें इंस्टेंट पॉट में, जो बड़ी सी मशीन होती है उसमें 2-3 बटन दबाए, बैठे हैं 7 मिनट के लिए, पक्के निकल के आ गए, उसमें तड़का लगाए और तैयार। और आजकल तो कुकिंग बहुत नहीं, वाकई वैसे लॉकडाउन ने सबके अंदर के जो शेफ्स है उनको बाहर निकाल दिया, मैंने भी काफी नई नई रेसिपीज ट्राई करी थी और मैंने वो अपने फेसबुक पे भी डाली थी, और लोग कह रहे थे अरे वाह महवेश को भी कुकिंग आती है, मैं डेफिनेटली कुकिंग करती है, क्योंकि महवेश के घर में लोग भूखे नहीं रहते, महवेश हैज टू फीड देम। सही बात है, और उबर ईट है ये भी एक कुकिंग है, रेस्टोरेंट्स हैं इतने सारे बड़े बड़े, वो भी एक कुकिंग है। देखिए बात यह है कि यहाँ से मतलब कैसे आप अरेंज करती हैं, ये तो फन तो यही है ना भाई, इंस्टेंट पॉट में भी आपको पता होना चाहिए टमाटर कहाँ डालने हैं, मीट कहाँ डालना है, आपको दूर से निशाना लगा, बिल्कुल ठीक जी, हाँ तो वो आजकल तो यही हो रहा है ही आजकल के लोगों के लिए, बस आप इसको डालें और बेफिक्र हो जाए, हाँ उसके बाद फेसबुक पे चले जाएं, हमारे की तरह नहीं क्या वहीं खड़े हुए हैं चम्मच हिला रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस आप टाइमर लगाएं एंड इट्स गुड टू, थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी, चमचे से इसको हिलाते जाओ जी। वहीद मुराद महरूम साहब का गाना था किसी फिल्म में, वहीद मुराद महरूम साहब याद हैं आपको, मतलब मेरे भी बचपन में वो गुजर गए थे, बहुत बड़े चॉकलेटी हीरो थे पाकिस्तान के, उन्होंने एक डिफरेंट हेयर स्टाइल दिया था, आप देखिएगा जरूर यूट्यूब पे उनकी अंदलीप, और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं उनकी, भाभी और ये वो, पाकिस्तान के शाहरुख खान गए तो उसमें कोई वो नहीं होगा, आपने देखा ही नहीं वहीद मुराद को, आप मीडिया में पाकिस्तान वहीद, और वो भी कराची से तारिक रोड से उनका ताल्लुक था, कराची में रहते थे। बिल्कुल जी, आज का ये काम है, आप जाके जरूर आपने सर्च करना है वहीद मुराद साहब को, अगर आप मीडिया में इंडस्ट्री में पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वहीद मुराद साहब को, बेचारे की जरा कम जिंदगी थी, मेरे ख्याल में लेट 40s में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन ही वॉज रियली बहुत सक्सेसफुल हीरो थे, और बहुत बहुत अच्छी अदाकारी, उन्होंने डिफरेंट हेयर स्टाइल दिया, मेरे हेयर स्टाइल की मत देखिएगा, न हेयर रहे न स्टाइल, आपने गजनी वाला स्टाइल है, हाँ तो बस स्टाइल जी है। बस जी क्या करें, वो कैमरे में नहीं बोल सकता कि ऐसे स्टाइल आपको कहाँ से मिलते हैं, ये आज इंसान के अपने अमाल का नतीजा होता है, तो ऐसे काम ही ना करो कि ऐसे बाल हो जाए फिर, तो खैर वो मेरे बालों को छोड़े, आपके बाल माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छा लगा महवेश वकार, आप हमारे एक छोटे से प्रोग्राम में आई, आपने इतनी अच्छी हमसे बातें की, अपने मीडिया के बारे में बताया, और आपने एक इंस्पिरेशन दी ख्वातीन को कि वो भी निकलें आएं, और स्पेशली देखें ऑन अ वेरी सीरियस नोट, मैं हमेशा सबको कहता हूँ, मैं आप मतलब एक वो जनरेशन है और एक वो जनरेशन है कहना चाहिए कि जो 18 से 25 के ब्रैकेट में, जिसको हम कहते हैं नए जो लोग हैं इंडिया, यंग जनरेशन है जो, उनको आना चाहिए, जो सेकंड जनरेशन है पाकिस्तानी कैनेडियंस की, उनको मीडिया में भी आना चाहिए, मैं भी बड़ी कोशिश करता हूँ कि उन बच्चों को लेके आऊँ, उनकी बातें सुने,
उनका सोचने का अंदाज सुने। हमने दो एक प्रोग्राम उस तरह के करियर पाथ पे, मतलब उस तरह के प्रोग्राम किए हैं हमने जिसपे हम कनेक्ट करना चाह रहे हैं दोनों को, क्योंकि देयर इज अ गैप। आपने भी नोट किया होगा कि बच्चे पेरेंट्स से भी, अपने आंटी अंकल से भी, तो थोड़ा वो, मतलब मुझे ये नहीं समझ आता, मैं कुछ उसमें नेगेटिव नहीं कहना चाह रहा मीडिया में बैठ के, लेकिन वो उस गैप को हमें किल करना है, खत्म करना है, मिनिमाइज करना है। बिल्कुल। कि जो मेंटल यहाँ के जो बच्चे स्कूलिंग करके, यूनिवर्सिटी करके, और जो हम लोग आए पाकिस्तान से यूनिवर्सिटी करके, स्कूलिंग करके आए, थोड़ा सा हम कहीं ना कहीं जाके हमारी जो है ना टकराव हो जाता है। तो आपका कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि? मेरा जब मैं स्कूल में, मतलब मैं यहाँ पे आई थी जब मैं सिर्फ 11 साल की थी। अच्छा अच्छा। तो जब मेरा पहला स्कूल था वो लॉस एंजलिस में था, मैं वहाँ पे जाती। अच्छा, आप कनाडा से जाती थी लॉस एंजलिस पढ़ने के लिए? इट्स वेरी फार। तो बस भी डेली आप एयरप्लेन में जाती थी लॉस एंजलिस फिर पढ़ के आती थी? अरे वाह, जबरदस्त। आपने तो बहुत मेहनत की थी। पहले जमाने में कहते थे ना कि 10-10 माइल पैदल जाके पढ़ाई के लिए क्या इल्म हासिल करो, चाहे लॉस एंजलिस जाना पड़े। अरे वाह, चीन जाना पड़े तो आपने लॉस एंजलिस। लेकिन मतलब हाउ That's possible that you're living in Canada. मेरा मतलब कि जब पहले मेरी फैमिली आई थी तो पाकिस्तान से आए थे, तो हम पहले लॉस एंजलिस, उसके बाद हम कनाडा आए। तो जब मैं वहाँ के स्कूल गई थी तो ऑब्वियसली मैं मतलब सीधी पाकिस्तान से आई थी, तो मेरी इंग्लिश इतनी ज़्यादा फ्लुएंट नहीं थी, और फिर मुझे फ्रेंड्स बनाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि जो वहाँ के बॉर्न के बच्चे थे और उन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, आप 11 साल की थी तो उस क्लास में सारे 11-12 साल के होंगे, उनको क्या पता कि आप डिफरेंट एलियन हैं और क्या है क्या नहीं। मगर पता चल जाता है जब आप बात कर रहे होते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि ये अभी अभी पाकिस्तान से है, तो वो फिर आपसे थोड़ा दूर रहते हैं। कि ज्यादा पॉपुलेशन मतलब वहाँ लॉस एंजलिस में व्हाइट्स की है, ब्लैक की है, स्पेनिश नहीं? हमारे स्कूल में ज्यादा मैक्सिकन की बहुत सारी पॉपुलेशन थी, आई रिमेम्बर। बल्कि शुरू में उनको लगता था मैं भी, लेकिन जब वो मुझसे बात करते थे तो मुझे समझ ही नहीं आती थी कि वो क्या बात कर रहे हैं। चाहिए थी ना नहीं, मुझे तो इंग्लिश के लिए मैं स्ट्रगल कर रही थी। चलिए तो सही। लेकिन स्पेनिश भी एक लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज है यूएस में। आप स्पेनिश सीख लेते होगे तो आई एम मैक्सिकन, यू नो, मेविश माफिया। इसी तरह यहां पे फ्रेंच भी है, लेकिन वो बस स्कूल में ही ली है, लेकिन बेसिक से ज्यादा नहीं आती। अच्छा, नहीं तो वहां से लॉस एंजलिस से हमें कनाडा भी तो लाइए ना, कि आप वहां से कैसे आई? हाँ। फिर ये कि मेरे डैड के यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, और शुरू से ही उनका था कि हमें यहाँ पे आना है, तो उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, यहाँ की इमिग्रेशन ली और तुम वहाँ पे रह रहे हो? अच्छा, इमिग्रेशन लेके वहाँ चले गए? या फिर हम इधर वापस टोरंटो आए और यहाँ से फिर पूरा स्टार्ट किया। तो आपको टोरंटो इज अ डाइवर्सिफाइड सिटी, तो आपको यहाँ कैसे लगा, आपके स्कूल के दोस्त? अब सोचे मैं लॉस एंजलिस से यहाँ पर आऊँ, बताइए। आई फेल्ट लाइक, और स्पेशली हम विंटर के टाइम पे आए थे, तो शुरू में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं LA का वेदर तो माइल्ड रहता है। या यहाँ पे बहुत ही क्वाइट और बहुत सर्दी और बहुत मतलब अजीब। पहले की बात कर रही हैं, मैं तो नहीं पहले की बात कर रही हूँ, जब इतने पाकिस्तानी भी टीवी भी नहीं बना था। नहीं, अब मैं कोई इतनी पुरानी नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तानी कैनेडियन टीवी नहीं बना था, टीवी तो बन गया था। आई थिंक थे उस टाइम पे, लेकिन इतना हम वॉच नहीं करते थे। सही बात। नहीं थे भी नहीं, ज्यादातर टीवी चैनल पिछले 15 साल टीवी में जो टाइम आता था संडे को ना 8-9 बजे सोनी धरती वाले जो लोग थे उन्हीं पे मेरे ऐड भी आते थे। अच्छा अच्छा, उस वक्त मैं वेट करती थी कि मेरा ऐड आने वाला है। अच्छा अच्छा, मतलब कौन सी प्रोडक्ट पे आपका ऐड आता था? मैंने एक, आई रिमेम्बर, मैंने ग्रोसरी स्टोर का किया था, दो तीन मैंने रेस्टोरेंट्स के किए थे, एक कोई सलोन का था। ग्रोसरी स्टोर में आप कहती थी पाकिस्तानी मसाले, शान मसाले, अपने हस्बैंड को लेके आइए, सब कुछ पका पकाया यहाँ से लेके जाइए। और मैं उस वक्त इतनी छोटी थी एंड आई यूज्ड टू डू टीवी कमर्शियल्स, तो जब मैं स्कूल जाती थी तो मैं बहुत पॉपुलर हो गई थी इस वजह से, क्योंकि उनको था अरे ये टीवी पर आती है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा। मेरे साथ तो मसला हो गया, मैं जब टीवी पे आना शुरू हुआ सब मास्क लगाना शुरू हो गए, अब मैं जहाँ जाता हूँ मास्क में तो कोई पहचानता ही नहीं, ये तो बड़ा मसला हो गया। आप मास्क पे अपनी आधी शक्ल बना दें तो अच्छा। फिर वो फिर हेल्प करेगी। आधी में क्या रखा है, जो मिले पूरा मिले, आधे में क्या रखा है, आधे से कुछ नहीं होने का। जी जी। अच्छा, तो अभी जब आप मतलब अब तो माशाल्लाह इतने अरसे से आप मीडिया से मुंसलिक हैं, बड़े सक्सेसफुल शो कर रही हैं, वैसे भी कम्युनिटी में इन्वॉल्व हैं, तो चलें ये बहुत अच्छा रहा। कोई ख़ास बात, कोई ऐसी बात कहना चाहें, कोई अब हमारे नाज़रीन के लिए कोई मैसेज देना चाहें
जो लोग सोशल मीडिया से देख रहे हैं हमें, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हमें देख रहे हैं, कोई मैसेज दें, हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं फिर? सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर हैविंग मी और मुझे इतना हंसाने के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से यू नो हम इतने स्ट्रेस में रहे और आज मैं बहुत दिनों के बाद इतना ज़्यादा हंसी हूँ, तो बहुत अच्छा लगा। मैं भी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं रियली Z9 मैनेजमेंट की जानिब से, अपनी जानिब से आपका रियली बहुत मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने टाइम निकाला, हमारी टीवी को रौनक बख्शी, मेरे प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। हमने एक हल्की फुल्की बिल्कुल लाइट गुफ्तगू की, प्रोग्राम ये है समझे कि मीटिंग विद महवेश, तो हमने एक क्विक मुलाकात की आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। तो इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में हम तफसील के साथ आपसे फिर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नाज़रीन, ताहिर जमाल कैनेडियन करिश्मा हमारे साथ महवेश वकार साहबा से गुफ्तगू हो रही थी। बहुत ही लाइट नोट पे हमने आज बात की, सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कवर किया। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते किसी और प्रोग्राम के साथ। देखते रहिए कैनेडियन करिश्मा ओनली ऑन Z9 डिजिटल टीवी। आपके रिश्तों का खूबसूरत आईना जिसमें अपनेपन का एहसास है, प्यारा सा अटूट विश्वास है जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, जो आपके फसानों को हसी बनाए, बचपन के ख्वाबों को हकीकत बनाए और आपके सौंदर्य को चार चांद लगाए। अल मदीना ज्वेलर्स, विश्वास अपनेपन का। कामयाबी मिलती है नॉलेज और एक्शन से। रियल स्टेट में भी मानिए नॉलेजेबल एंड राइट टाइम डिसीजन मेकर्स की बात, जैसे अनीस अहमद फ्रॉम सिटी स्केप रियल स्टेट ब्रोकरेज। तो कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी रब्ता करें अनीस अहमद एट 6476867352। अनीस अहमद। रियल एस्टेट की दुनिया में एक बाएतमाद और काबिले भरोसा नाम, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल महमूद बुलर आपकी बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन पर परफेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलवाना है इनका काम। गारंटीड सेटिस्फेक्शन का एक ही नाम, महमूद बुलर फ्रॉम रॉयली पेड सिग्नेचर रियलिटी ब्रोकरेज। मजीद मालूम के लिए अभी कॉल मिलाएं 4164520505। हर्लिस लॉ लीगल सर्विसेज। हम इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी, बिला वजह नौकरी से बर्खास्त करना, माहिदों की खिलाफ वर्जी और माजूरी की इंश्योरेंस ना होने पर ना सिर्फ आपके साथ हैं बल्कि आपके जायज हकूक भी दिलवाएंगे। इसके अलावा हादसात या एक्सीडेंट की सूरत में आपको बेहतरीन फवायद हासिल करने में भी आपकी मुआवनत फराहम करेंगे। हम सैकड़ों मुतासरीन को इज्जत और वकार जिसके वो मुस्तहिक हैं के साथ जिंदगी गुजारने में मदद कर चुके हैं। तजुर्बाकार और पेशावर माहिर कानून से मुकम्मल एतमाद के साथ तामिल में बात करें। We believe that everyone have the right to live with dignity and respect. Hurlis Law Legal Services. मशवरे के लिए 9058486726 या 6474057774 पर अभी कॉल करें। You can trust Hurlis Law. जिंदगी नाम है भरोसे का, हर सुबह नई उम्मीद का, और रियल स्टेट में इसी भरोसे और उम्मीद के साथ बाएतमाद और जाना पहचाना नाम सलमान सैयद फ्रॉम वर्ल्ड क्लास रियल्टी ब्रोकरेज। क्योंकि मार्केट चाहे जैसी भी हो, अगर सच का साथ है तो क्या बात है। सो रियल स्टेट बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कॉल करें सलमान सैयद फ्रॉम वर्ल्ड क्लास रियल्टी ब्रोकरेज एट 416-505-3337। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स, वेयर वी ट्रीट योर टेस्ट बड्स टू सेलिब्रेट एंड शेयर द हैप्पीनेस।
no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halva, halva puri on weekends served with Kashmira chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल स्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल स्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। जीटीए में रियल स्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट नाउ वाजिद मलिक एट 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community. GTA ki top of the line quality printing mein, we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. Top quality aur lowest prices hai guaranteed. Har tarah ki graphic designing aur printing services, from huge banners to posters, real estate signs, vinyl, magnet flyer, business card, your one-stop shop for all signs and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. खूबसूरत और दिलकश घर का ख्वाब या बिजनेस के लिए मुनासिब जगह और शॉप्स की तलाश, या फिर इन्वेस्टमेंट के जरिए चाहते हैं बेहतरीन मुनाफा। सिर्फ यही नहीं बल्कि प्रॉपर्टी रेंट पर लेना और देना हुआ आसान। जी हाँ, हम हैं हर वक्त आपकी खिदमत के लिए पेश। रियल एस्टेट की दुनिया का जाना पहचाना नाम जकी एहसन, हर साल टॉप सेल्स के अवार्ड याफ्ता, सेंचुरी 21 का काबिल एतमाद नुमाइंदा। तो अभी कॉल कीजिए 416-879-6537। If you want to buy or sell residential, commercial, investment property, then call Gold Award winner and certified negotiation expert Zach Hassan at 416-879-6537. Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. घर खरीदना हो या बेचना, इफेक्टिव निगोशिएशन स्किल और राइट स्ट्रेटजी ही से फायदा हाथ आता है। इसीलिए जॉइन हैंड्स विद मीर हसन अली फ्रॉम कोल्ड वेल बैंकर सन रियल्टी, प्रॉमिसिंग ऑल राउंड सक्सेस एंड ऑनेस्टी, क्योंकि कामयाबी वहाँ, ज्यादा फायदा हो जहाँ। सो बाय, सेल और इन्वेस्ट इन रियल स्टेट विद मीर हसन अली। कॉन्टेक्ट नाउ एट 647-927-8656। More shopping? Yes, for my home. Welcome to Panam Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us, with Panam Blinds, in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, so or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this. But ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out.
and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have and enjoy your comfort of life. कनाडा सरमायाकारी के लिए जन्नत, टोरंटो की गुंजान आबादी के बायस अब आबादकारी दूसरे शहरों में ओटावा, ब्रैम्पटन, मिसिसागा, किंगस्टन और दीगर शहर अब सरमायाकारी और आबादकारी के लिए आइडियल। आप कमर्शियल, रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने का इरादा रखते हो तो टीम ऑफ सैयद को एक दफा कॉल लाजमी कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके सरमाए का सही इस्तेमाल कहाँ है। लंदन, साउथ एशिया, फॉर ईस्ट, मिडिल ईस्ट, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका की रियल स्टेट मार्केट का 25 साल तजुर्बा रखने वाली सैयद टीम को कॉल कीजिए 6132760398। सैयद टीम, कोस्ट टू कोस्ट रियल एस्टेट विद रॉयल स्टार रियल्टी। रियल स्टेट इनका पैशन है और हर क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन इनका अल्टीमेट गोल, यानी सेटिस्फेक्शन गारंटीड। आपके बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन के साथ परफेक्टली मैच्ड प्रॉपर्टी दिलाना है ऑब्जेक्टिव इनका। ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल स्टेट प्रोफेशनल अफजल पराचा फ्रॉम रीमैक्स रियल स्टेट सेंटर ब्रोकरेज, यानी घर खरीदिए या बेचिए इत्मीनान के साथ विद अफजल पराचा। कॉल नाउ एट 6478904205 और विजिट afzalparacha.ca। कामयाबी मिलती है नॉलेज और एक्शन से, एट द राइट टाइम एंड एट द राइट प्लेस। इसीलिए मिलिए रियल स्टेट में कामयाबी की जमानत आमिर रियाज के साथ, एक्सपीरियंस्ड, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल स्टेट एक्सपर्ट, जिनके साथ अब प्रॉपर्टी लिस्ट कीजिए सिर्फ 1% कमीशन पर। सो बाय, सेल और इन्वेस्ट विद आमिर रियाज। कॉल नाउ एट 416-319-2637। सफर बेलॉस मोहब्बत का हो, कीमती किसी लम्हे में शिरकत का हो या सोनी धरती से रग़बत का हो, सफर दिल में बसी अकीदत का हो, उस मुनव्वर जमीन की ज़ियारत का हो या मौज़म उस मट्टी पे इबादत का हो, किंग ट्रैवल सफर से जुड़े आपके सभी जज्बात की कदर करता है। तभी तो आपके हर सफर को इस कदर आसान रखता है कि तवील से तवील सफर का भी हर लम्हा खुद मंजिल का निशान लगता है। किंग ट्रैवल, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉल 1-800-844-5464। Canadian Ultrasound Institute has been training candidates for Ontario licensing in sonography since 2014. We provide preparation and training for general ultrasound, abdomen, obstetrics, gynecology, cardiac ultrasound known as echocardiography and vascular technology. We also assist our students step by step for Ontario licensing applications and Sonography Canada exam preparation. If you are interested in becoming a licensed sonographer in Ontario and Canada, we welcome you to the Canadian Ultrasound Institute. If you know foreign medical professionals coming to Canada soon, we can assist them from now on to prepare for Ontario licensing. We have trained over 400 foreign-trained medical professionals who are successfully working in Ontario and Canada. We are private career college in Mississauga and now offer approved medical office administration diploma by Ministry of Colleges and Training. The medical office administration diploma is 6 months on campus. Due to COVID, online virtual classes is option. Included in the diploma is 1 month placement in medical clinic as internship. We provide job ready skills and career management strategies for all our students. Please email us at canadianultrasound@gmail.com or call us directly 905-507-4756 and add us on Facebook group Canadian Ultrasound GTA.